रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब, प्यारे बहन भाइयों का? उम्मीद है माशाल्लाह जी आप सारे खुश राजी होंगे, और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती, आपस में डेरो मोहब्बत और दिन इस्लाम की सच्ची मोहब्बतें अता फरमाए। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। तो माशाल्लाह जी सेकंड टाइम आए व्लॉग बना रहे हैं। देखें सूरज भी हल्की हल्की जो है ना वो फट गया सुर्खी, तकरीबन आधे घंटे घंटे तक इंशाल्लाह गुरूब हो जाएगा। चुवाई शुरू की हुई है माशाल्लाह से, गाय की पट्टे वाली गाय और बड़ी गाय ये आई हुई हैं। ये गाय जो आ रही है माशाल्लाह ये भी फ्रेश डिलीवर हुई है, इसको अभी तक चुवाई कर रही है। बाकी इसके अलावा तकरीबन चार गाय और टोटली पांच रह गई हैं माशाल्लाह से। तो अर्शद भाई इनकी चुवाई कर रहे हैं और अरफान भाई जो है हल्का फुल्का गोबर उठा रहे हैं। जनाब मैंने भी साथ हल्का सा फोड़ा चलाया है, गुड़का शुड़का एक बार निकला है। सफाई आपको चेक कराते हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सफाई की है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है और वैसे भी बीमारियों से निजात रहती है। ये देखें माशाल्लाह जी ठाठे मारा फर्श मारा अल्हम्दुलिल्लाह। एक जनाब गोए की फोसे भी आपको नज़र नहीं आएगी, तमाम फोसियाँ चौक चाक ली हैं। ये बच्चों का थोड़ा सा रह गया है, और ये जो एक डेरी लगी हुई है गाय के कदमों में। इसके बाद नुकरे बादशाह के लेद जो है वो उठानी है, उसके बाद ये वाला काम ख़त्म, फिर बच्चे छोटे हैं ये वाले इस वाड़े में जहाँ पर इरफान भाई गोया इकट्ठा कर रहे हैं। इनको जनाब बाल्टी से दूध पिलाना है, नुकरे बादशाह को हल्की सी वाक करानी है, उसके बाद इसका दाना शाना मैंने सुबह का भिगो के रखा है वो इसको डालना है। चूड़ी इसकी छाड़ने पर साफ करके रख दिया धो के, वो इसको डालनी है और इसको अंदर बांध देना। उसके बाद जो मिनी जू में बर्ड हैं उनको भी दाना पानी अभी डालने का टाइम है, शाम को अगर डालते हैं सुबह दो टाइम डालते हैं उनको डालते हैं, वो भी अपना राज के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद अल्लाह नबी का नाम लेके वेले हो जाएंगे। अरशद भाई की तकरीबन चार गाय जो रह गई हैं ऐसे ऐसे आ रहे हैं, वंडा शंडा डाल रहे हैं, और वो भी इंशाल्लाह आ जाती हैं अपने अपने टाइम पर, तो चुवाई उनकी हो जाती है। ये रेत पड़ी हुई है जनाब हमारी, और ये कमाद है, ये सुबह के लिए चारा लेके आए हुए हैं, ताकि सुबह होती है बहुत ज़्यादा सर्दी और गीलापन होता है, जिसको पंजाबी में त्रेड़ा देने वो पड़ी होती है, तो ये इसलिए टाइम से ले आते हैं। बाकी दो किड्स हमारे अंदर हैं, वो आराम सुकून के साथ अभी दूध मांग रहे हैं बाँ बाँ करके। नुकरा बादशाह भी इधर देख लिया, तकरीबन इसका टाइम हो चुका है खोलने का, शेरू जब इसको छोड़ते हैं इस वक्त बिलखसूस, ये पीछे रेत पड़ी हुई है इस पर इसकी लिटाई कराते हैं, ये सामने आपको नजर आ रहे। इसके बाद जनाब इसको थोड़ा सा वाक कराते हैं, उसके बाद इसको अंदर, तो पूरा नाच नाच के तमाले माशाल्लाह डाल देता है, बहुत ज़्यादा जंपे मारता है अल्लाह के फजल से, क्योंकि माशाल्लाह सेहतमंद हो गया। ओ शेरा ओ की हाल है तेरा। अभी जनाब इसको आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं शाम पड़ती है पता चल जाता है कि मेरा टाइम भी होने वाला है। तो बाकी अभी इंशाल्लाह इसको भी खोलते हैं एक बार, इरफान भाई थोड़ा सा फ्री हो रहे हैं, इरफान भाई इसकी थोड़ी सी जो है ना ट्रेनिंग करते हैं, उस देर तक जब तक इरफान भाई फारग होते हैं हम अपने मिनी जू के बर्ड की कैट कांग ले लेते हैं कि वो क्या किले ठोक रहे हैं। जनाब उनको देख लेते हैं माशाल्लाह सियाग में जनाब मिनी जू में। अभी ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं और इनकी कैट कांग लेते हैं। पेरू ने जब भी अंदर दरवाजे के ठाक हुई है तो एक बार कुकड़ुकड़ों की गई है। ये देखे जनाब काला शीशनाक है माशाल्लाह, फुल ब्यूटी, बहुत खूबसूरत बर्ड है ये भी। और ये जनाब पेरू हर टाइम मस्ती में रहता है, दाना तो इनके आगे मेरे ख्याल में डाल दिया हुआ बच्चों ने, पीछे इनका पानी का चेकअप कर लेते हैं, जो छोटे बर्ड हैं लव बर्ड और दूसरे जो है गैना अपना वो बजरी घर वो भी देख लेते हैं। कबूतर सारे इधर बैठे हुए हैं यार, ये देखें माशाल्लाह जो नई कबूतरी ये वाले सामने जो है ना इस साइड पे आ रही काली काली सी है, ये लगती है मुझे तकरीबन कौन सी नस्ल होगी, टेढ़ी नस्ल की लग रही है। बाकी मुझे देख लेते हैं, खुमरों भी अंदर बोल रहे हैं जनाब, ये देखें जनाब चार खुमरे हैं माशाल्लाह से। अभी सर्दी आ रही है तो कुछ चीन का इंतजाम कर दिया, ये तरपाल सी है लगा दी है ताकि छोटे जो बर्ड हैं इनको सर्दी ना लगे। बाकी पीछे से भी बंद करना है इसको, और आगे से भी सारे तरपाल इस तरह की कुछ ले गए हैं या पुराने कपड़े वगैरह हो गए तो इनका इंतजाम चलाना है इंशाल्लाह। तो अभी तक ये देखें सारी ये साइड खाली है, तो केज मारे ये पहले सिर्फ ये छोटे केज थे इनमें परिंदे बंद करते थे, अभी ये बड़ा बन गया तो बड़ी मौज हो गई है। ये लव बर्डू का जोड़ा इधर आराम सुकून के साथ बैठा हुआ, ये देखें माशाल्लाह इनको अभी दाना भी डालना है और पानी भी इनका साफ करना है। ये शैम्पी भी अकेला कभी मंडी चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह इसके लिए भी कोई ले आएंगे तोती, अभी तक तो ये फ्री आराम से बैठा हुआ है। ये बतकें जो हैं इनके आगे चारा शारा डाला, ये देखे मक्की और सारा चटाऊँ कर गई हैं, तो अभी और थोड़ा सा ला के इनको डालते हैं अगर इनकी तलब और अभी बाकी है तो। खैर मेरी खैर मेरी खैर मेरी खैर मेरी, ये देखे बहुत प्यारे लगते हैं उड़ते हुए यार। तो ये दो अवारा जो है अभी इनको चार पाँच दिन बांधेंगे उसके बाद खोल देंगे। काला फैंसी और शर्मीली इनकी जोड़ी अच्छी लगी हुई है माशाल्लाह, और माशाल्लाह से ये लगता है मुझे नार होगा। आप भी कमेंट करके बताएं कि ये नारी होगा, क्योंकि इसका साइज़ देखें ना काफ़ी बड़ा है।
और जो दूसरे वाला है उसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ, वो इससे ना काफ़ी छोटा लग रहा है। मैं इसलिए जजमेंट कर रहा हूँ कि ये होगा नारिया से, देखें स्नो छोटी है, ये बड़ा है, ये देखें जोड़ा, इसी तरह ये देखें ये छोटी है और वो वाला जो है ना वो बड़ा, ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें जी नथु लाल तो बस मेरे पीछे हो जाता ना, बाकी गलें बाद में। ओए हो पढ़ ना जाए यार, ओ ई आ ओ ओ, चार चार झूठे चार। हसन साहब इधर झूला भी जा रहे हैं जनाब, लेकिन वो दूर हैं थोड़े हमसे, रैबिट्स भी दाना खाते हैं। ओ खैर मेरी, और साथ में जनाब ये बहुत दबंग किस्म का जो पट्ठा है वो भी खा लेते हैं, कई बड़ी खुश हो खाते हैं। ये देखिए पूरे तरीके से जनाब खा रहे हैं। ये जनाब एक उठा है, अभी इसको नींद आई हुई थी, और हमारा सील पट्ठा भी अभी अजाने देने लग पड़ा है, काफ़ी माशाल्लाह पहले से एक्टिव है, काद का अठ अच्छा हिट कर गया माशाल्लाह। ये पेन फिर रही है जनाब, ये देखें बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, ये देखें शैम्पी है पूरा शैम्पी जनाब। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी प्यारी सी वीडियो, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। जज़ाकअल्लाह खैरा, मिलते हैं आपसे एक अच्छी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए ढेर दुआएं, हमें भी दुआ में याद रखना। ओके अल्लाह हामियो नासर।